ऑस्ट्रेलियन पीएम के लौटते ही हुआ बड़ा खुलासा। खुलासे के धमाके ने चीन से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए। तो इसलिए भारत आए थे ऑस्ट्रेलियन पीएम। आखिरी दौर में जाने वाला है भारत चीन का युद्ध। देखिए कैसे भारत उड़ाएगा सबके होश। चीन ने जारी किया रेड अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में मची भगदड़। भारत लेगा अब बड़ा फैसला। कैसे इतना बड़ा फैसला कर गए ऑस्ट्रेलिया और भारत। चीन की सोच के आगे जाकर गेम खेलेगा भारत। सच में महाविनाश की तरफ बढ़ने लगी है दुनिया। भारत ने उठाए जंग की तरफ बड़े कदम। ऑस्ट्रेलिया भारत चीन में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। दोस्तों कुछ साल पहले तक भारतीय लोगों में क्रिकेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया की चर्चा होती थी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी ही भारतीयों को याद रहते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है और मोदी सरकार के आने के बाद से सिर्फ क्रिकेट को लेकर ही नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुई दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया तब सन्न रह गई जब ऑस्ट्रेलियन पीएम भारत से लौट जाने के बाद खुलासा हुआ। इस खुलासे में पता चला कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलियन पीएम आए और ऐसे मुद्दे पर भारत से बात की जो आज सबको मौन किए हुए है। शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिखर सम्मेलन किया गया जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत डिफेंस, सिक्योरिटी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। लेकिन भारत आने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पास कुछ दूसरा मकसद था। इस मकसद के बारे में जानकर चीन की बहुत खली। और तो और अब दोनों देश द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी चीन को बहुत दर्द देंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक स्थिर, शांत, खुला, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मांग की जहां चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में, उसके बाद भारत के कदम के बारे में बताएंगे। तो सुनिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन में 3 सालों के बाद कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एक रिपोर्ट के आधार पर यह चेतावनी जारी कर रही है और देश को तैयार रहने को कहा है। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने इसे लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की और देश को अगले 3 वर्षों में चीन के साथ युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी। ताइवान न्यूज ने इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। रेड अलर्ट नाम के इस स्वतंत्र रिपोर्ट को 5 सुरक्षा विश्लेषकों ने मिलकर तैयार किया है जो ऑस्ट्रेलिया को सच्चाई चीख चीख कर बता रही है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में प्रकाशित किया गया। ताइवान समाचार की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जिस तरह सोचते हैं उसकी तुलना में ताइवान और चीन से जुड़े संघर्ष की संभावना बहुत अधिक है। अगर युद्ध होता है तो अमेरिका के साथ देश के गठबंधन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए इसमें शामिल होने से बचना बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट में विश्लेषकों का सामान्य विचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया चीन और ताइवान से जुड़े युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन देश को तत्काल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रेड अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के खतरे के जोखिम का आकलन राष्ट्रपति सी जिनपिंग के आक्रामक रुख और तेजी से चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर आधारित है। इसके मुताबिक इसमें 3 साल का और वक्त लगेगा क्योंकि 2027 में ताइवान का तनाव निर्णायक बिंदु पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वो वक्त होगा जब चीन के पास ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका पर सैन्य बढ़त हासिल हो चुकी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का डेमोग्राफिक संकट भी इसका एक अहम कारण है। सी जिनपिंग के पास इतने बड़े संघर्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए सीमित रास्ते हैं। सी का मानना है कि चीन में अमेरिका और उसके सहयोगियों की तुलना में अधिक राजनैतिक इच्छा शक्ति है, लेकिन फिर भी शी के लिए ये लाभ अस्थायी हो सकता है क्योंकि चीन की आबादी तेजी से कम हो रही है और आने वाले समय में चीनी अर्थव्यवस्था के धीमे हो जाने का अंदेशा है। ऐसे में अवसर की ये खिड़की लंबे वक्त तक खुली नहीं रहेगी। सी जिनपिंग को इसका आभास है। ऐसे में मुफीद वक्त आने पर वो हमला करने से नहीं चुकेंगे। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इसकी आशंका भी जताई गई कि युद्ध में शामिल होने को लेकर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रक्षा विश्लेषक मिक रेयान ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ रहने का फैसला किया। अगर अमेरिका ताइवान के साथ युद्ध करता है तो ऑस्ट्रेलिया किसी न किसी रूप में अमेरिका का समर्थन करेगा क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन की जीत के क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गहरा असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन सालों पुराने हैं। आजादी से पहले भी दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े। आजादी के बाद 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी। इतना ही नहीं, हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में एक्सरसाइज करती हैं जिसे ऑसीडेक्स कहते हैं। इन सब के अलावा भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुलकर अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता है। आपको बता दें, खासकर इंडो पैसिफिक में पिछले कुछ सालों में जो तनाव हुआ
उसे लेकर दोनों देशों के बीच की दोस्ती आने वाले सालों में काफी अहम नतीजे देने वाली है। यही जोड़ी चीन को पटकने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का 3 दिनों के लिए भारत दौरा खत्म हो चुका है और इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए। आइए जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच की ये दोस्ती डिफेंस सिक्योरिटी और ट्रेड के साथ इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए कितनी जरूरी है। ये जानना तब बहुत जरूरी हो जाता है जब चीन का इतना बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा है। दोस्तों, भारत दौरा खत्म करने के बाद ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो राष्ट्रपति बाइडन के साथ ऑकस सुरक्षा समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए अहम बातचीत करेंगे। भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड का अहम सदस्य है, जहां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होने वाले ऑकस समझौते पर भी भारत की नजर रहेगी, क्योंकि इस दौरान पनडुब्बियों को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते होने की संभावना है, जिसे ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में ही तैनात करेगा। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के बाद अपने बयानों में यूक्रेन की स्थिति का कोई जिक्र नहीं किया और दोनों देशों की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को दोहराते हुए संघर्ष और मानवीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि पिछले शिखर सम्मेलन के दौरान, जो मार्च 2022 में आयोजित किया गया था, उसमें तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संयुक्त बयान में यूक्रेन का जिक्र किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का जिक्र नहीं किया। लिहाजा माना यही जा रहा है कि अब यूक्रेन को लेकर भारत के दोस्त देश असहज करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक बात और जो जाहिर हो रही है वो ये कि यूक्रेन को लेकर भारत की स्थिति को दोस्त देशों ने स्वीकार किया है। एल्बनीज और पीएम मोदी के बीच हुई बैठक में इंडो पैसिफिक पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों की तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया कि पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं पर चर्चा की और साझा चुनौतियों का समाधान करने और एक स्थिर, खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक की दिशा में काम करने के लिए डिफेंस और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर यह बयान चीन को ध्यान में रखकर दिया गया है, जहां वो काफी आक्रामक तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है और छोटे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन ने अपने कर्ज का जाल भी फैलाया है, लिहाजा चीन के खिलाफ दोस्त देशों का नया समझौता हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।